जो अपनी कला से ईस्ट और वेस्ट में एक तहलका मचा दे, बर्पा कर दे, एक इतना रेयर काम करें जो हर एक दिवस की बात नहीं है, उन लोगों की मदद करना और सहायता करना जो है काफ़ी हद तक ज़रूरी है। मुझे छह तीनों ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरे प्यारे भाई, तुम तो कह रहे हो, तुम्हें लगना है कि तुम्हारी माँ साथ में है और आशीर्वाद दे रही है, और वो भी बहुत तगड़ा आशीर्वाद, वजनदार आशीर्वाद। 88 किलो की हूँ मैं। ये कहना चाहती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सब जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो सोचता है, आंखें जो हैं वो देखती हैं, और हाथ जो हैं वो सब काम करते हैं। लेकिन उत्तम कुमार, मेरा बेटा उत्तम कुमार भारद्वाज, इतना ज़बरदस्त कलाकार है कि उसने बगैर हाथों की मदद ली जिंदगी की तरफ जो पहला कदम उठाया है वो पैरों के जरिए उठाया है। इतने शानदार पेंटिंग जो बनाए हैं, अकेले नहीं अपने शिष्यों को साथ लेकर, जो अपनी मिसाल आप, जब भी कोई बहुत अच्छा काम करता है अपने हाथों से तो लोग कहते हैं, दिल चाहता है तुम्हारे हाथ हम छूम लें। बेटा, मेरा दिल चाहता है कि हम तुम्हारे कदम छूम, तुम्हारे पैर छूम। एक्सीलेंट, वंडरफुल, मार्वेलस। थोड़ी सी इमोशनल हो रही क्योंकि मैं हूँ, ज़ाती तौर पे ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा हौसला जो हमें नज़र आ रहा है आज इस एग्जीबिशन के ज़रिए, और जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे शागिर्द हैं, तुम्हारे शिष्य हैं, उनके साथ मिलकर तुमने जो ये काम किया है, इस हौसले की, इस क्या कहते हैं, ताकत की, जिस्मानी ताकत ना होते हुए भी तुमने जिंदगी की तरफ जो कदम उठाए हैं, जो बढ़ाए हैं, उनके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, उसे तारीफ करते हैं। हाँ, एक शेर और याद आ रहा है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। मैं 3 साल की थी जब से फिल्मों में काम कर रही हूँ, रेडियो पे कर रही हूँ, और आज तक 1946 से लेके 2019 तक एक्टिव हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे हौसला देने वाला सिर्फ मेरा बेटा नहीं, और भी बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हैं जिनके हौसले की वजह से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे एक ही पैर में 4 फ्रैक्चर हैं, तभी मैं कुर्सी की दीवानी हो रही हूँ। आप ये ना समझिएगा कि मुझे सियासत में, पॉलिटिक्स में जाने का शौक है, इसलिए कुर्सी कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, कुर्सी, जहाँ तक पॉलिटिक्स की कुर्सी है उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पैर टूटा हुआ है, 4 फ्रैक्चर हैं एक ही पैर में, और फिर भी मैं एक्टिव हूँ। उसके अलावा एक चुनौती और भी है, उम्र 75 साल की हो गई है, और इसका असर सिर्फ एक तो पैरों पे पड़ा है और एक थोड़ा सा आँखों में, आँखें मेरी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 70-72 सालों में मैंने जो कुछ भी किया है लिख के कागज़ सामने रख के पढ़ा भी हूँ, खुद बोलती हूँ, एक्सटेम्पो बोलती हूँ, कुछ गलत भी बोल जाती हूँ। अगर मेरी कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो मुझे क्षमा कर दे। और बेटा, एक दफ़े ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया वालों की तरफ से तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और दुआएं। बहुत ये स्टेप्स टू लाइफ जो हमारा एग्जीबिशन का जो एक टाइटल था, इसका मतलब ज़िंदगी की तरफ एक कदम, उन लोगों के लिए ज़िंदगी की तरफ कदम है जो बेसहारा है, जिनको लोग हैंडीकैप बोलते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये हैंडीकैप नहीं है, जो हैंडीकैप बोलते हैं उनकी सोच हैंडीकैप, बहुत बहुत ये हमारी सोच। कितना मेहनत लगा पेंटिंग को यहाँ तक लाना, मुश्किल रहा?
नहीं, जब जब इंसान के सामने टारगेट हो और उस टारगेट तक को अचीव करना है तो वो मेहनत उसके आगे कुछ भी नहीं होती है, और उसके लिए मेहनत के लिए इंसान सोचता भी नहीं कितनी मेहनत करेगी, लगेगी कितनी नहीं लगेगी, उसके लिए टारगेट सिर्फ टारगेट होता कि यह टारगेट अचीव करना है। आपका उद्देश्य क्या है इस एग्जीबिशन का? क्या नहीं, ये मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैंडीकैप हैं, जो कल को बड़े होके दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, दूसरों पे दूसरों का सहारा चाहिए उनको, मेरा ये उद्देश्य है कि वो लोग बच्चे खुद आत्मनिर्भर बने, खुद कमाएं, खुद खाएं, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना रहे। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, उत्तम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतना लोगों को इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं? उत्तम जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि जितना इनका काम उत्तम है उतना ही नाम भी उत्तम है। इन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग नहीं कर सकते थे। इंसान, जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूँ कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो दिमाग हमारा सोचता है, आंखें देखती हैं और हाथ काम करते हैं, लेकिन उत्तम कुमार जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाया है हाथों के ज़रिए नहीं, अपने पैरों के ज़रिए। इनके पैरों ने और इनकी पैरों से की हुई पेंटिंग ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है, एक मिसाल कायम की है। और मैं यही कहूँगी कि जब हाथ अच्छा काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं इनके हाथ को चूम लिया जाए, इनके तो पैरों ने इतना गजब का काम किया है जो कोई सोच नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। तो हम इतने उम्र में, हमसे छोटे हैं, हम इनके पैर तो नहीं चूमेंगे, लेकिन इनके काम में हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि ये और इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कभी भी किसी के भी फाइनेंशियली या फिजिकली डिपेंडेंट ना हो। ये हमारा आशीर्वाद है, दुआएं हैं और प्यार है। मैम, यहाँ पे आपने पेंटिंग देखा, कोई ऐसी पेंटिंग है जो आपको काफ़ी पसंद आया हो, किसी एक पेंटिंग की अगर तारीफ करनी हो तो किसकी करेंगे? भैया देखो, चाहे फिल्में हों, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे तस्वीरें हों या पेंटिंग हो, हर कलाकार को अपनी पेंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और चूँकि उत्तम मुझे अपनी माँ मानता है तो मैं यही कहूँगी कि ये जैसा मेरा बेटा है, इसकी हर पेंटिंग मेरी औलाद है। और फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। मंजू मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? सबसे पहले तो मैं उत्तम जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उत्तम जी के लिए ये शेर कहना चाहती हूँ कि मैं इत्र से महकूँ ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि इनके किरदार में कितनी खुशबू है। स्वयं असमर्थ होते हुए भी इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो असमर्थ नहीं है, वो समर्थ है, समर्थ से कहीं आगे है। और ऐसे ही अपने कितने अपने जैसे लोगों को इन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो हम लोग कितना सोचते हैं और सोच के भी हम दे नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है कि तुम्हारे, कहते हैं ना कि तुम्हारा हौसला उगड़ जाए तो मेरे पास चला जाना, मैं रफू कर सकता हूँ, मैं मुफ्त का दर्जी हूँ, मैं रफू कर दूँगा। तो ये सब लोगों की ज़िंदगी को, जैसे बोलते हैं ना, जो उगड़ गई है सिलाई उसको रफू कर रहे हैं, इससे बड़ा काम और क्या सब हो सकता है। कि सुई का काम हमेशा है पिरोना, जोड़ना, और ये जोड़ने का काम है। जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी जी, वो मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन इतना अच्छा शेर है और लोगों के अंदर उमंग, हौसला, हिम्मत बढ़ाने वाला है, तो वो शेर मैं चाहूँगी कि सबको मैं सुना दूँ फिर से एक बार। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता, जिसकी जीती जागती मिसाल हैं हमारे प्यारे उत्तम कुमार। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते। क्या बात, हौसलों से उड़ा करते।